के पास अगर कुछ अनफोर्सिन ब्रेकडाउन होता है या फिर कुछ चीज़ें जो कि हम लोगों को रिपेयर करना है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है, तो दैट इज़ दी फिलोसॉफी जिसके बेसिस पे सैनी अपने आप को ड्राइव करते हैं। सर, ये जो पहाड़ी इलाका है खासकर जम्मू कश्मीर का और दूरदराज इलाके हैं, वहाँ पे कैसे आप 4 घंटे में पहुँच सकते हैं, क्या उसके लिए कोई रोड मैप तैयार किया गया है? जी, जैसे आप डोडा, किश्तवाड़ या राजौरी, पुंछ की बात करेंगे, ये हमारा पहला ऑफिस था जम्मू प्रोवेंस को, जिसको पहले जम्मू प्रोवेंस बोलते थे, अभी तो जिला पार्ट है। इसके साथ नियर फ्यूचर में राजौरी में एक और डोडा में एक ऑफिस इस मैग्नीट्यूड का वहाँ भी खुल जाएगा, जहाँ पे स्पेयर पार्ट्स भी होंगे, सर्विस भी होगी, ताकि जितनी मशीनें उस इलाके में चल रही है जहाँ से जम्मू से 4 घंटे में पहुँचना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ से कैटर हो जाएंगे। कई जगह पर जैसे आपने पूछा, जैसे ये मैंने बताया कि एक 3S ऑफिस है, ये मतलब सेल्स सर्विस प्रयास कर रहा है। कुछ क्लस्टर पे जैसे आपने बताया, कुछ जैसे कोई एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए काम होगा, पहाड़ी इलाका है या माइनिंग का एरिया है जहाँ पर 5 साल के लिए, 4 साल के लिए कोई प्रोजेक्ट होगा, तो हम वहाँ पर एक रेजिडेंशियल सेटअप भी कर लेते हैं सर्विस एरिया, ताकि उन्हीं के बीच में रहे। और जो 4 घंटा का टारगेट है, 4 घंटा का ऐसे तो एक एवरेज टारगेट है, कई जगह पर तो हम लोग आधा घंटा 1 घंटा में भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो साइटों में ही ऑफिस खोल देते हैं। तो सानी कंपनी जो है इंडिया में ऑलरेडी 2002 से है, ये हम लोग का 20वां साल है सानी इंडिया में, डोमेस्टिक मार्केट में हम लोग करीब 20 साल से हैं। और अभी मकरू मोटर जो कि हमारे डीलर रहे हैं कश्मीर में, अभी इनको ये टेरिटरी असाइन किया गया है, तो जम्मू एक एक्सटेंशन है, क्योंकि मकरू मोटर हैज़ बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल इन द टेरिटरी ऑफ कश्मीर, तो हमने इनको ये जम्मू वाला टेरिटरी एक्सटेंड किया है। और पूरी इंडिया के मैं बात करूँ तो ये प्रोबेबली विल बी आवर 260वां ऑफिस है ये पूरे इंडिया में, जो हम लोग आज इनॉग्रेट किए हैं। 3S ब्रांचेस हम लोग बोलते हैं इसको, जिसमें सेल्स, सर्विस और स्पेयर्स तीनों चीज़ों को हम लोग एक ही ब्रांच से ऑपरेट करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि जितना क्लोज आ सके हम लोग कस्टमर्स के पास, जहाँ पर कस्टमर्स की मशीन जैसे 50 से 100 मशीन करीब करीब कस्टमर का होती है, तो वहाँ पर एक हम लोग 3S ऑफिस खोलते हैं, जहाँ से हम लोग कस्टमर्स के जो रिक्वायरमेंट है उसको कैटर कर सके, सेल्स में जैसे सेल्स के बंदे हैं यहाँ पर, या फिर सर्विस यहाँ से कैटर कर सके, और स्पेयर पार्ट्स हम लोग उनको मिनिमम एक रेडियस पे दे सके। तो ओवरऑल जो सैनिक का फिलोसॉफी रहा है वो कस्टमर ओरिएंटेड फिलोसॉफी रहा है, तो हम लोग जैसे सैनी स्टैंडर्ड टाइम टू रिपेयर या सैनी स्टैंडर्ड टाइम टू रीच, दो चीज़ें बहुत उस पर हम लोग मेजर करते हैं, जो सर्विस के मेजर पॉइंट्स होते हैं, सैनी टाइम टू रीच, जैसे हमको हर एक कस्टमर जो हमको कंप्लेन करे या फिर कहीं पर मेंटेनेंस पे जाना हो तो हम 4 घंटा के अंदर पहुँच सके, तो इसीलिए ये जो हमने बताया जैसे 260 ऑफिसेस है, तो उसी के तहत ये ऑफिसेस बढ़ाए जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ पे आपने सोचा है कि ऑफिस की ओपनिंग करनी है, कौन सा एरिया जो है छूट गया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट छूट गया है आपसे? अभी मैडम ऐसा देखिए, ये ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इन इंडिया इज कवर्ड नाउ, सो जैसे मैंने बताया दिस इज ऑलमोस्ट द 260th ऑफिस, तो वी हैव क्लोज टू 42 डीलर्स कवरिंग ऑल द 30 स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट हो या जम्मू हो या इवन टू दी पॉइंट साउथ में जो स्टेट्स है, आप तमिलनाडु ले लीजिए, केरला ले लीजिए, या नॉर्थ ईस्ट के जितने सारे स्टेट्स हैं, आप मणिपुर ले लीजिए, आसाम ले लीजिए, मेघालय ले लीजिए, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट आइदर हैज़ ए डीलर और एन एक्सटेंडेड ऑफिस ऑफ द डीलर।
सो रफली 260 ऑफिसेस करीब करीब हो चुके हैं और आगे वाले समय में भी हम लोग ये ऑफिसेस बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि कस्टमर का जितना